तो अभिलंब, अब दूसरा प्रमेय है अभिलंब अक्ष का प्रमेय, परपेंडिकुलर एक्सिस का प्रमेय। तो परपेंडिकुलर एक्सिस का प्रमेय क्या है कि किसी क्षेत्र का उस क्षेत्र के ही समतल में दो परस्पर लंब अक्षों पर जड़त्व गुणों का योग इन दोनों अक्षों के कटान बिंदु से होकर जाने वाली तथा क्षेत्र के समतल पर लंब अक्ष पर उस क्षेत्र के जड़त्वागुण के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें तीन एक्सिस लेते हैं जिसमें तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। तो एक्स वाई तल में है, कागज के तल में है या फिर बोर्ड के तल में है, और इस तल के परस्पर लंबवत हमारा तीसरा एक्सिस जेड है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, या तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, तो तल में एक क्षेत्रफल, एक सतह है जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल ए है, तो एक छोटा क्षेत्रफल स्मॉल ए माना है। ठीक है, जिसका एक्स एक्स से दूरी वाई है, वाई एक्स से दूरी एक्स है, तो एक्स एक्स से दूरी एक्स एक्स से जो एक्स एक्स के सापेक्ष इसका जड़त्वागुण कितना हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर, और वाई एक्स के सापेक्ष इसका जड़त्वागुण कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों एक्सिस के कटान, ये दोनों एक्सिस का कटान बिंदु कहाँ है, जीरो। ये दोनों एक्सिस कितने कहाँ पर काट रहे हैं, ओ पे काट रहे हैं एक दूसरे को, और इसी के लंब, जैसा कि हमारा परिभाषा में है, इसी के लंब। ठीक है, लंब एक्सिस से इसका जड़त्वागुण कितना हो जाएगा, ए आर स्क्वायर। तो ए आर स्क्वायर, ए यहां समझ लीजिए, ये ए आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, दोनों अक्षों के सापेक्ष जड़त्वागुण के योग के बराबर। मतलब एक्स एक्सिस के सापेक्ष इसका कितना हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर। तो ए आर स्क्वायर क्या है, जेड एक्सिस के सापेक्ष जड़त्वागुण, ए वाई क्या है, एक्स एक्सिस के सापेक्ष जड़त्वागुण, और ए एक्स स्क्वायर क्या है, वाई एक्सिस के सापेक्ष जड़त्वागुण। तो कटान बिंदु के लंब एक्सिस पर जो जड़त्वागुण होता है वो दोनों एक्सिस के जड़त्वागुण के योग के बराबर होता है। ये परिभाषा है, इसे हम अभी आगे इसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या है हमारा कि कटान बिंदु के लंब पर अक्ष का जड़त्वागुण दोनों अक्षों के जड़त्वागुण के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अब इसे हम प्रूफ करके बताते हैं। तो अभिलंब अक्ष का प्रमेय को प्रूफ करते हैं। तो हमने एक्सिस एक्स वाई जेड लिया। ठीक है, ये हमारा जेड एक्स और वाई एक्सिस है जो कि परस्पर एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के लंबवत है, सॉरी। फिर एक कैपिटल ए क्षेत्रफल का सतह लिया जो कि एक्स वाई समतल में स्थित है। ठीक है, तो एक्स वाई समतल में स्थित है, तो इस संपूर्ण क्षेत्रफल को का एक छोटा टुकड़ा स्मॉल ए लिया, और वो एक्स अक्ष से वाई दूरी पर तथा वाई अक्ष से एक्स दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो एक्स अक्ष के पर इस जो माना गया क्षेत्रफल है उसका जड़त्वागुण निकालेंगे तो उसका जड़त्वागुण कितना होगा, ए वाई स्क्वायर, और इसका समेशन कर देंगे, इसको का इसको सभी क्षेत्रों को जोड़ लेंगे तो वो संपूर्ण सतह का हो जाएगा। तो संपूर्ण सतह का एक्स अक्ष पर जड़त्वागुण कितना हो जाएगा, आई एक्स बराबर समेशन ए वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार वाई एक्सिस पर निकालेंगे तो वाई एक्सिस से छोटे क्षेत्रफल का बीच की दूरी कितनी है, एक्स है, तो क्षेत्रफल छोटे क्षेत्रफल ए का वाई एक्स पर जड़त्वागुण कितना हो जाएगा, आई वाई ए वाई स्क्वायर। तो संपूर्ण क्षेत्रफल का वाई एक्स से जड़त्वागुण कितना हो जाएगा, समेशन ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों अक्षों से जड़त्वागुण आई एक्स और आई वाई आया, दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर आ जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई बराबर समेशन ए वाई स्क्वायर प्लस समेशन ए एक्स स्क्वायर। तो इसको जब मॉडिफाई करेंगे तो सिग्मा ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सिग्मा ए बराबर, अरे सॉरी, आई एक्स प्लस आई वाई बराबर सिग्मा ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चूंकि ये सब आपस में क्या है, परस्पर लंबवत है, तो
एक चतुर्भुज का निर्माण करेंगे और आर उनके विकर्ण को दिखलाएगा, अर्थात एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक, तो समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर। तो आर हमारा क्या है, विकर्ण है, और यही आर क्या है, जेड एक्सिस की दूरी है। ठीक है, जेड डैश, और जेड एक्स कहाँ है, जहाँ पर ये एक्स और वाई एक्स एक दूसरे को काटती हैं, तो वो बिंदु क्या है हमारा, ओ है। ठीक है, तो हमारा ये ओ, अगर इसको हम बी मान लें पॉइंट, तो ओ बी बराबर आर है, ठीक है, जो कि एक समकोण त्रिभुज के विकर्ण को प्रदर्शित करता है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वहाँ पे हम क्या लिख रख सकते हैं, आर स्क्वायर रख सकते हैं। तो रखा तो आई एक्स प्लस आई वाई समेसन ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर रख दिया। ठीक है, तो हमारा क्या आया, समेसन ए आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर क्या है, जेड जेड एक्सिस के सापेक्ष इस छोटे क्षेत्रफल का जड़त्व गुण है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल का जड़त्व गुण कितना होगा, समेसन ए आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो समेशन ए आर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, जेड एक्स पर संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल का जड़त्व घूर्ण आई जेड होगा। ठीक है, तो सिग्मा समेशन ए आर स्क्वायर के स्थान पर हम आई जेड लिख सकते हैं। तो हमारा क्या, आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड होगा, और यही हमारा क्या है, अभिलंब अक्ष का प्रमेय है। तो हमारा क्या है, आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड। ठीक है, यही हमारा क्या, अभिलंब अक्ष का प्रमेय है। और ये क्या है कि जो हमारा एक्स एक्स पर जड़ता गुण है और वाई एक्स पर जड़ता गुण है, तो इसके कटान बिंदु पर जो अक्ष जा रहा है जेड, उसके लंबवत है। तो उसके जो तो कटान बिंदु पर स्थित अक्ष के लंबवत जड़ता गुण शेष दोनों अक्षों के जड़ता गुण के योग के बराबर हो गए। ठीक है, यही हमारा अभिलंब अक्ष का प्रमेय है। ठीक है, तो ये हमारा प्रमेय, दोनों प्रमेय पर हमने आज डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ मुख्य काटों का जड़त्व घूर्ण निकालेंगे, उसके उपरांत हम लोग संयुक्त काट का जड़त्व घूर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो अब सिर्फ ये दो, इस चैप्टर में यही दो टॉपिक बचे हैं, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।